अच्छा जब शुरू होना था तो उन्होंने बंद कर दिया. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. इज अ मैन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. और आज का शो बहुत चिल किस्म का शो है. अगर आप लोगों ने कोई काम करना है तो प्लीज उसको दो घंटे के लिए मत कीजिएगा, दो घंटे के बाद शुरू कर दीजिए काम. आई नो आप अपने बच्चों को स्कूल भेज चुके हैं, हस्बैंड जो है वो आपके दफ्तर जा चुके हैं, एंड यू आर नाउ रिलैक्स. और वो मर्द जो घर के अंदर बैठे हुए हैं, दिस इज अ ब्यूटीफुल शो. आज का शो बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत है. वी स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट वेडिंग्स, शादियों के बारे में हम बात कर रहे हैं. एंड वी हैव ज़ोरी रज़ा एंड नुमान आरिफीन. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक. नुमान, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट. लॉन्ग टाइम नो सी. जी अच्छी बात है ना, खामोशी से काम कर रहे हैं. नहीं नहीं, आप तो खामोश बिल्कुल नहीं है, आपका नाम तो आजकल बहुत सुना जा रहा है. जी जी बिल्कुल. और अच्छा काम कर रहे हैं. और सबसे बड़ी बात है माशाल्लाह आपके शो के बारे में, यू आर डूइंग अ फैबुलस शो ऑन जियो. काफी मैंने इसकी माशाल्लाह टीआरपी भी काफी स्ट्रांग होती जा रही है. थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया. इट्स अ न्यू शो, इट्स अ ब्रांड न्यू शो. मैंने साहिर लोधी शो को खत्म करके ये वाला शो शुरू किया है. नाउ प्रॉब्ली इन जनवरी और फेब, प्रॉब्ली 14 फरवरी, वी गोइंग टू गो बैक टू साहिर लोधी शो. Hopefully, अगर मैंने सब चीजें ठीक काम करें तो. नहीं, when Sahir is there, the show is will be always good. हाँ है ना? Always. हाँ, मुझे thank you so much. thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया. Zareed, how are you? I'm fine. MashaAllah, you look pretty as ever. Thank you. Oh ho, बहुत अच्छे compliment ही. नहीं, it's not a compliment. That is true ना? It's very very true. I have never. अच्छा, मुझे ये बताइए, आजकल हो क्या रहा है? Weddings का कितना busy season है? शुरू हो चुकी है weddings तो? Actually, weddings का काफी बड़ा season है ये. और रमजान में ये होता था कि जैसे I used to leave Pakistan और मैं चली जाती थी, लेकिन मैं इस दफा जा नहीं सकी क्योंकि इतनी मीटिंग्स थी. और हमारा इमीडिएटली आफ्टर रमजान सेकंड डे ऑफ ईद मेरा काम शुरू हो गया था. आई सीरियस? हाँ. अच्छा, ईद के दिन तो शादियां नहीं होती ना किसी की? ईद के दिन शादी? ईद के फौरन बाद. ईद के तीसरे दिन जो है मेहंदी होगी. अच्छा, मेरा तो दूसरे दिन ही था. दूसरे दिन शादियां हो जाती हैं. आर यू सीरियस? यस यस. शादियां शुरू? यस यस. 21st, 22nd, 23rd इस तरह से चल रहा है और चलता ही रहा है. और तुम्हारी इनविटेशन शो की जब आई थी तो मैं बिल्कुल रिफ्यूज नहीं कर सकी. सुमेरा ने जब वो किया कि साहिर का शो है, लेकिन मैं सच्ची बात तो ये है कि इतने बिजी हैं कि बिल्कुल यानी निकाल नहीं सकते टाइम किसी भी चीज का. इस वक्त बहुत ही जोर पर है सारा वेडिंग का. अच्छा, ज़ोरीद का काम और मेरे काम में अंदर ये फर्क है कि अगर मेरे पास रश होगा तो ज़ोरीद अपनी तैयारी कर रही होती है, और जब मेरे पास रश खत्म होता है तो ज़ोरीद उस वक्त एक्सट्रीम बिजी होती है. नुमान हमेशा मुझसे पूछता है आपका क्या कैसे. मैंने कहा बहुत इस वक्त बहुत पागल. और अच्छा, तो मेरा ये वाला सीजन बड़ा जबरदस्त जाएगा. तो मैं इससे पूछती कैसा जा रहा है. अरे बड़े मसरूफ है सर, को जाने को फुर्सत ही. मैं समझ जाती हूँ इस दफा बहुत ही रश होगा वाकई. तो ये इस तरह चल रहा होता लोग है. कपड़े जो हैं वो 1.5-2 महीने पहले से बनवा के रखते हैं. और इनके पास जो है वो इनकी बुकिंग्स होती हैं, लेकिन इनके पास जो है वो एक्टिविटी जो स्टार्ट होती. अच्छा, है. अच्छा, मुझे ये बताइए, मायों में नॉर्मली जो दुल्हन पहनते हैं या उपटन के अंदर दुल्हन जो पहनती है वो तो पीला पहनती है, एंड देन लड़का जो है, जो ग्रूम जो है, वो पीला पटका ले लेते हैं, व्हाइट सलवार कमीज होती है, बहुत नॉर्मल सी एक बात होती है. बट जो लोग होते हैं, दूसरे लोग जो होते हैं, वो आजकल बहुत ऑड ऑड से कॉम्बिनेशन आ गए. कैसे कैसे? सबसे पहली बात ये साहिर कि मैं जो आजकल जो है ना, आपने येलो की बात की ना, आजकल ट्रेंड जो है वो चेंज होता जा रहा है. उसकी वजह ये है कि मेहंदी जो एक, देखें तीनों हमारे जो ओकेजन होते हैं, मेहंदी, बारात और वलीमा, आप अगर तीनों की थीम लेना तो तीनों की थीम बड़ी डिफरेंट है. मेहंदी के अंदर इट्स अ ओकेजन ऑफ कलर्स. आई एम टॉकिंग अबाउट उपटन. उपटन, हाँ, मायो आजकल उपटन भी, यकीन जाने कि आई हैव सीन द एक्सेप्ट रेड, आपको सारे कलर नजर आएंगे. शॉकिंग पिंक नजर आएगा, ऑरेंज नजर उपटन पे. एक्चुअली मैं इसमें थोड़ी सी एक चीज ऐड करना चाहूंगी, सॉरी मैंने इंटरप्ट कर दिया मैंने बीच में, कि जो मैं इवेंट्स कर रही हूँ उसमें अब उपटन है ही नहीं, अब मायो है ही नहीं. उसमें मिलाद पे लोग वो करते हैं थोड़ा बहुत, उसके अंदर मिलाद के बाद जरा सा माइयों का एक टच दे देते, मगर वो भी मिलाद पे ही ज्यादातर अभी खत्म हो रहा है. और जो बड़ा ओकेजन है वो दोनों जो लोग होते हैं, दो पार्टी मिलके मेहंदी कर लेते हैं. ओके ओके. और अब तो मेहंदी दो मिलके करते हैं, अब शादी भी रिसेप्शन दोनों कंबाइंड होने लगे हैं. रियली? हाँ. और उसके अंदर जो कलर्स हैं, अब पीले रंग का तो अभी तक वो रहा ही नहीं है. As he said, ke he must be giving lot of colors, different colors in styles in his clothing. मेरा ये कि मैं अपने शादियों में जाता हूँ, अपने इवेंट में डिफरेंट कलर्स कर रही हूँ. मैं मुझे अपने खानदान की शादियों में भी ना सिर्फ वलीमे पे 5 मिनट के लिए गए, एंड देन यू सही बात, हम लोग नहीं जाते.
मैं जोरीद को मैंने जोरीद आप मेरे वली में भी नहीं आई थी आज अच्छा नहीं, शिकवा करते नहीं, तुम्हें ये ऑनर कहने की जरूरत नहीं, ये मुझे सारी जिंदगी माफ नहीं करेगा, मैंने इसका वलीमा किया और मैं जा नहीं सकी। कोई बात नहीं, सेकंड वाले में चले जाइएगा। देखा अब इसकी बीवी देख के ना इसकी बहुत पिटाई करेगी। सॉरी नो, नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं, बात ये है कि लगाने वाले भी आए हुए वैसे पीछे बैठे। सोच मुझे खिताब मिल चुका है, आपकी शादी तो हुई नहीं। मैंने कहा नहीं शादी हो चुकी है, मैंने कहा आपने जो है गलत जज किया मेरे बारे में। खैर एनीवे बात हम शादी इसकी कर रहे थे, मेहंदी की। मेहंदी के अंदर अब तो मैं जोरीत आपा से जो मैं इंटरेक्ट होता रहता हूँ, अब यकीन जाने कि इनके खाने का मेन्यू जरा पूछिएगा मेहंदी का, ये आज क्या है, क्या आज आज पूछा जाए ना जी खाने का मेन्यू है क्या, जरा बताएं तो सही। भाई खाने का मेन्यू अब यूं हो गया है कि कोरमा पुलाव जर्दे से तो सब हट चुके हैं, बहुत पहले अब फूड स्ट्रीट बनती है, फूड स्ट्रीट में आलू स्ट्रीट बनती है, स्ट्रीट बनती है, उसमें आलू छोले होते हैं, पठान वाली चनक चाय होती है, गोला कबाब होता है, शवरमा होता है, गोला गंडा होता है, कुल्फी होती है, और लिटरली ये सारी चीजें ठेलों पे सर्व करते हैं हम लोग, सूरत ठेले सजाते हैं और उनमें ये चीजें रखते हैं, और उसमें पानी पूरी होती है, उसके अंदर ये सारी चीजें जो चटोर पने में आती है ना। मैंने इसीलिए इस पॉइंट मेरे दिल चाह रहा है कि हमारे एक मेहंदी हो, मैं उसमें जाऊं, उनमें से किस बच्चे को मेहंदी करवानी है प्लीज बताओ। जेनियन मेहंदी एक बच्चा अवेलेबल है। नो 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 आई थिंक अच्छा वो जो अभी मेरे कान में एक आवाज आई है तुम्हारे बारे में समी, कि समी दोबारा करवाना चाहता है मेहंदी, लेकिन नहीं नहीं एब्सोल्युटली नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। तो ये सारी फूड स्ट्रीट बनती है, ये पूरी फूड स्ट्रीट बनती है, और कुछ फूड स्ट्रीट्स तो ऐसी बनाते हैं हम लोग कि वो बाकी लगता है कि आप किसी फूड स्ट्रीट में आ गए, वहाँ पर खटाखट हो रहा है तो एक तरफ जो है हाँ मेहंदी में, हाँ हाँ मेहंदी में खटाखट पूरा लाइव बन रहा होता है। I didn't want to ask के शादी का मेन्यू क्या होता है, शादी का मेन्यू इज लाइक मोर कॉन्टिनेंटल हो गया है। ठीक है चलो, शादी का मेन्यू बहुत डिफरेंट हो चुका है, बहुत ज्यादा डिफरेंट तरियाकी आ गई है उसमें। मैक्सिमम बात बताइए, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जाहिर है क्लासेस तो अब भी है और हमेशा से रही हैं और शायद आइंदा भी रहें, आई होप कि हम ये इस सिस्टम को खत्म कर सकें, वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो लोग जो नहीं अफोर्ड कर सकते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते लच्ची, उन मेहंदियों में और ये वाली मेहंदियों में क्या फर्क होता है, उसके मेन्यू में क्या फर्क होता है? मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जो लोग अफोर्ड इतना नहीं कर सकते उनके पास जो अल्लाह ताला ने चीज दी है, खुशियां दी है और उनके जज्बे दिए हैं, और वो हम उनको जो इतना नहीं वो कर सकते उनके कलर्स और दूसरी चीजों से इनको सजाते हैं, और क्रिएटिविटी की कोई कीमत तो होती भी नहीं है। Absolutely. तो जो आप अच्छी क्रिएटिविटी करके आप मेन्यू बेसिक रख दें, क्योंकि असल जो चीज है वो वैरायटी ऑफ फूड नहीं है कि आपने वैरायटी ऑफ डिशेस रख दी है, असल चीज उनकी खुशियां हैं, उनके जज्बे हैं, उनके खूबसूरत इवेंट्स हैं, तो वो चीजें ज्यादा काम करती हैं। छोटे से ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पूछेंगे आजकल कौन से कलर्स इन हैं एज फार एज मेहंदी के ड्रेसेस आर कंसर्न आम पब्लिक के लिए। एंड